दिल्ली के राजेंद्र नगर की तस्वीरों को अगर भूल गए होंगे तो एक बार प्रयागराज की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। राजेंद्र नगर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे बच्चों की मौत के बाद प्रयागराज प्रशासन की भी नींद खुली और फिर शुरू हुई छानबीन। प्रयागराज फायर डिपार्टमेंट ने इलाके में चल रहे कोचिंग संस्थानों की चेकिंग शुरू की, जिसमें कई खामियां नजर आईं। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी की माने तो कई कोचिंग सेंटर में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की कमी दिखी, तो कहीं एंट्री एग्जिट के रास्तों को लेकर भयंकर लापरवाही सामने आई। हालांकि प्रशासन ने इन कमियों को दूर करने का नोटिस कोचिंग संस्थानों को पकड़ा दिया और कई जगहों पर ताला लगा दिया है। इलाहाबाद में किस तरह का अलर्ट है और किस तरह की जाँच चल रही है, पर कितने के खिलाफ कार्रवाई हुई? हम लोग जो है दिनांक 29 तारीख से जो है अभियान चला रहे हैं कोचिंग सेंटरों को, लाइब्रेरी को चेक करने का, और हमारे 9 फायर स्टेशन है, 9 जगह पे 9 टीम बना दिया गया है जो सभी जगह जाके कोचिंग सेंटर हो चाहे लाइब्रेरी सभी को चेक कर रहे हैं। यहाँ प्रॉपर निकास मार्ग हैं कि नहीं और अग्निशमन व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं, तो ऐसे हम लोग 60 लोगों को निरीक्षण कर लिए हैं, जिसमें हम लोग 11 ऐसे कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी को चिन्हित किए हैं जिनके यहाँ मानक के अनुसार व्यवस्था नहीं है, उनको हम लोग नोटिस दे रहे हैं और हमारा अभियान अभी चल रहा है, अभी लगातार चलता रहेगा। क्या खामियां पाई गई इन कोचिंगों में? कहीं खामियां पाई गई, फायर इंस्ट्रीब्यूशन कम थे, फायर सिस्टम नहीं लगे थे, पानी के टैंक में पूरा पानी नहीं था उसमें स्टोरेज, निकास मार्ग जो है एक ही सीढ़ी है, इस तरह की खामियां पाई गई, उनको निर्देशित किया गया कि मतलब ये सब व्यवस्थाएं अच्छी करा लें। क्या सुरक्षा के मापदंड पे सही नहीं था? हाँ, जो सुरक्षा के मापदंड पे 11 ऐसे कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी थे जो सुरक्षा के मापदंड पे नहीं सही थे। कब तक अभियान चलता रहेगा? ये अभियान हमारा 1 सप्ताह चलेगा। फिर बताने के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास के इलाके को कोचिंग सेंटर्स का हब कहा जाता है। यहाँ एक एक बिल्डिंग में कई कई कोचिंग्स चलती हैं। इन कोचिंग्स के कई क्लासरूम बेसमेंट में ही हैं। कोचिंग का दफ्तर भी बेसमेंट में ही है। बेसमेंट में चलने वाले क्लासरूम सड़क से तकरीबन 10 फीट नीचे हैं। छात्रों के मुताबिक दिल्ली की घटना के बाद उन्हें भी काफी डर लग रहा है। यहाँ कोचिंग संस्थान मोटी फीस तो ले लेते हैं लेकिन स्टूडेंट्स की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ये बहुत ज़्यादा चिंता विषय है, इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ है, वो लोग अपने भविष्य के लिए पढ़ने आ रहे हैं और ऐसी घटना हो रही है, तो उसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब नाला वाला भर जा रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखे और जितना हो सके स्टूडेंट के लिए करें। अच्छा, अब तो प्रयागराज में एक्शन हो रहा है, ऐसी कोचिंगों को चिन्हित किया जा रहा है, तो ठीक है ये? हाँ सही है, क्योंकि पढ़ाई है मान लीजिए ठीक है, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ से थोड़ी वर्क है, स्टूडेंट की लाइफ रहेगी तभी तो कुछ करेंगे। ठीक है जैसा हो रहा है, क्योंकि सरकार को करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर देंगे, क्योंकि कोचिंग भी चलाना है, जितना स्टूडेंट पढ़ सकेंगे अच्छी रहेगा। चिंता है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।